हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। यहाँ देखिए बिस्तर लगा रही हूँ, बच्चों को भेज दिया है, नाश्ता पानी हो गया है, सुबह का सारा काम फिनिश हो गया। अभी दोपहर का लंच बनने वाला है। पहले मैं सोच रही थी बिस्तर बना लूँ, यहाँ पे झींगुर जो होते हैं ना, बिल्कुल बेड के जस्ट दबे हुए, छोटे 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 छोटे, पता नहीं कब कहाँ से आए, मैं नहीं जानती। बट आज मैंने देखा, जब गद्दा मैंने उठाया तो उन झींगरों को मैंने नीचे कर दिया है, झाड़ दिया है अच्छे से। किसी दिन पूरा बिस्तर हटा के झाड़ूंगी झींगुर। अभी बारिश का मौसम है ना, तो कुछ ऐसे जीव चुपचाप दुबक के बैठ जाते हैं, वही हैं, तो उन्हें मैंने झाड़ दिया है। बिस्तर लगा लूँगी, बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बिस्तर बना के सीधे किचन में आ गई हूँ। बॉटल मैंने भर के रख दिए थे टब में, वैसे ही बॉटल रखे हुए हैं। अभी मैंने देखा तो जस्ट रखने लगी, पानी तो भर लिया था पहले ही, लेकिन धरना भूल गई थी फ्रिज में, तो बॉटल रख दूँगी। दूध आ गया है, दूध चढ़ा दूँगी, दूध बॉयल होगा, सब्जी कट करूँगी, सब्जी चावल रोटी बनाऊँगी, दूध उबालूँगी, आटा गूंद के रख दूँगी, पतिदेव जब आएंगे तब उनके लिए सेकूँगी। दोपहर के टाइम में ज़्यादातर बच्चे नहीं खाते हैं रोटियाँ, शाम और सुबह ही खाते हैं, तो उनके लिए रोटियां नहीं बनानी पड़ती हैं। चलिए यहाँ देखती हूँ हाल क्या है। जानते हैं बारिश ऐसे हो रही है, बूंद बूंद गिर रहा है, मतलब ऐसी नहीं हो रही कपड़े सारे भीग ही जाए, ना ऐसा निकल रहा है कि कपड़े सूख ही जाए, तो ऐसा कुछ हो रहा है। मैं सोच रही थी अलट पलट दूँ, लेकिन जो कपड़े हल्के सूखे हैं उन्हें हटा लूँ लगता है, क्योंकि सूखेंगे तो है ही नहीं, हल्का फुल्का और भीग जाएंगे। तो ये कुछ हाल है यहाँ का, तो मैंने जो भीगे थे उन्हें पलट दिया है, और जो हल्के सूखे उन्हें जाके रख दूंगी अंदर, फैला दूंगी फैन के पास। देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट अंदर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लाइट आज आ रही है, फ़ैन बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो मैं ये आंगन में काटूंगी। हल्की बारिश हो रही है, हल्की हवा चल रही है, दोनों हो रहा है आराम से। देखिए इधर कबाड़ सा रखा हुआ है, इसे मैंने हटा के तुलसी माँ के पास रखा था, फिर तुलसी माँ के पास से यहाँ रख दी हूँ, अंदर नहीं रखती हूँ। ये खाट एकदम से टूटी हुई, इसे बनवाना है। इनको बोल रहे हो बनवा लो, ये बोल रहे हैं बस टाँड़ में चढ़ा दो। टाँड़ में कोई भी चीज़ मैं नहीं जल्दी चढ़ाया करती हूँ, क्योंकि टाँड़ में जो चीज़ चढ़ गई ना, तो उसे निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं होती हैं, अक्सर काम नहीं देती हैं, उन्हें चढ़ा देती हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें कभी कभार काम दे देती है। मतलब टूटी भले है लेकिन काम दे देती है। मान लो कोई आ गया तो किसी तरह बिस्तर बना लो, वैसे टूटी खाट में लेटना नहीं चाहिए, बट कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ये कहावत है, बट मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों है, इस कहावत का मतलब मुझे भी नहीं पता। जिन लोगों को पता हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, बट मैंने सुना था तो आज मैंने कह दिया है। महात्मा गांधी जी के बारे में बस किताबों में हमने पढ़ा है, रियल में वो कैसे हैं नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के। सभी सब्जियां मैंने काट ली हैं, ये देखिए टमाटर धनिया एक तरफ रखा हुआ है, दूध बलक गया है आराम से, चावल भी मैंने चढ़ा दिया था वो भी पक गया है, मिर्ची कल मैंने तली थी वो रखी हुई है। अब जल्दी से सब्जी छौंक दूंगी, बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा है, जिससे उन्हें लेट ना हो, खाना मिल जाए टाइम से।
तेल वैसे मैं ज़्यादा डालती हूँ। कई सिस्टर कहती भी हैं कि साधना जी इतना तेल ना खाया करिए, सच में तेल हो जाता है ज़्यादा। मसाले वैसे बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाला करती हूँ, डेली नॉर्मल मसाले ही डालती हूँ, क्योंकि डेली अगर हम हैवी मसाले डालने लगेंगे तो गर्म करता है, क्योंकि मसालों की तासीर गर्म होती है। अच्छे से मैंने गोभी भून ली थी, आलू भी अच्छे से भून ली हूँ, पक गया है हल्का हल्का, उसके बाद फिर हल्दी डाल दूँगी। और गोल्डी मसाले ज़्यादातर आप देखते होंगे हर घर में गोल्डी मसाला चलता ही है, राजेश मसाला भी मैं यूज करती हूँ, बट गोल्डी मसाले का फ्लेवर अलग ही होता है। तो मसाला भी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी जिससे मसाला हमारा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। ढक के रख दिया था, देखिए मसाले पक गए हैं, तेल छोड़ दिए हैं। अब टमाटर डाल दूँगी थोड़े से और नमक, ढक के रख दूँगी कुछ देर। आराम से सब्ज़ी मेरी जब बिल्कुल पक जाती है उसके बाद ही मैं पानी डालती हूँ, और पानी डालने के बाद बस 10-15 मिनट उसे उबालती हूँ, सब्ज़ी रेडी हो जाती है। ये देखिए अब फाइनली पानी डालने का वक्त आ गया है, सब्ज़ी एकदम से पक गई है। जब टाइम लगा के हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो खाने में ज़्यादा टेस्टी आती है। और बनाने के लिए तो आप सब बहुत अच्छे अच्छे डिश बनाते हैं मुझे पता है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ उसके बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। कई कई लोग कहते भी हैं कि आप जो बनाते हो ना उससे हम कहीं बेटर बनाते हैं, तो अच्छी बात है। सबके घर में जो जैसा होता है, जैसी स्थितियाँ उनके होती हैं, वो सारी चीज़ें वो बनाते हैं, खाते पहनते हैं, ये सब चलता है। बच्चे आ गए हैं तो उनको मैं सब्जी चावल दे दूंगी, थोड़ा सा रस्सा ज़्यादा है। ये देखिए बच्चे बैठे हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया है एकदम से, चाय मैंने बना ली है, बारिश हो रही थी, सारा काम वाम किया, भीग गई थी, कपड़े भी चेंज कर ली हूँ और गर्मा गर्म चाय पी लूँ, क्योंकि जब बारिश से हम भीगते हैं ना तो लगता है कितनी जल्दी चाय गर्मा गर्म मिल जाए। जुकाम होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है जब हम शाम के टाइम में भीग जाते हैं। बर्तन धुल रही थी, कपड़े धुलना था, पीछे तरफ का सारा काम पड़ा था, भीग गई। तो आप चाय पी रहे हैं, बच्चे भी यहीं पे हैं, हम सभी बात कर रहे हैं। बच्चों के साथ मस्ती चल रही है, सीवे बोल रहा मम्मी मेरा चप्पल टूट गया है, तो आप चप्पल दूसरा खरीदिए, इसको मैं फेंक दूंगा आज ही। बस ऐसे ही कोई बोल रहा मम्मी मुझे ये खरीद दीजिए, मतलब ऐसी ही बातें हो रही हैं। तो मैं इन्हें समझा रहे हैं कि हमेशा हर चीज़ खरीदने के चक्कर में न रहा करो, कुछ चीज़ें चलाया भी करो। तो बच्चे बोलते हैं अरे मम्मी पहले के ज़माने की बात अलग थी, अब लोग नहीं पहनते ऐसा। देखिए चप्पल ठीक ठाक ही है, बट बोल रहा नहीं मैं इसे नहीं पहनूंगा, हल्का फुल्का मान लो एक तरफ चिपक गया है तो चलता है, जो हम चीज़ यूज करेंगे वो घिसेगी तो है ही ना। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी होता है। खैर इन सब की बातें मैं सुन लूँ, जो खरीद पाऊँगी खरीद दूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू।